Assalamu alaikum, this is Arshad and this video is about our visit to Sweet Home. हम पिछले कुछ वीक से हमसे मुराद मीडिया एंड न्यूज़ क्लब के मेंबर्स हम स्वीट होम के बच्चों के लिए डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में से ताकि जब हम उधर जाएं तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जा सकें. हमारे 32 स्वीट होम्स हैं जिसमें और इसके बाद बच्चों को अच्छा मील दिया जाता है, अच्छा वो अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं और अच्छा पहनते हैं. एजुकेटर्स में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त और बच्चों का आप लंच देखो, डिनर देखो, ब्रेकफास्ट देखो, हर चीज़ बच्चों को मिलती है. उनको स्वीट डिश भी मिलती है, मिल्क भी मिलता है, उनके बाद उनको अच्छे कपड़े भी मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है. सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलती बच्चों, प्यार नहीं मिलता. ये उनके लिए अभी नहीं, उनके बच्चों के जहन में इस वक्त ये कैद खाना है. लिटरली मैं बात करूँ, उनके जहन में इस वक्त कैद खाना है. उनका दिल करता है हम भाग जाएं यहाँ से. बड़े ऐसे सर वाकयात आते हैं, बच्चे भाग जाते हैं. क्यों? खाना पीना, रहना सहना, हर चीज़ हो, जहाँ पे प्यार ना होना वहाँ पे दिल नहीं लगता बंदे का दिल नहीं करता वहाँ पे रहने. यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम लोगों को ही नहीं पता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है तो हमारा क्या फ़ायदा यूनिवर्सिटी से पढ़ने का. हम प्योर साइंस के स्टूडेंट हैं लेकिन फिर भी हमारा इनके साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, हमें आना चाहिए यहाँ पे, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें. बच्चों को लगे, आज से 3 साल पहले जब आप नहीं आए थे हमारे बच्चों को नहीं पता था कि यूईटी भी कोई यूनिवर्सिटी. आप आए, उनको पता चलना शुरू हुआ कि यूनिवर्सिटी है. अब फैसलाबाद में बहुत से अदारे वर्किंग में हैं, किसी और अदारे से नहीं किया है. इसका मतलब है कि हम लोगों में थोड़ी सी अच्छाई है, हम लोगों ने यहाँ पे आके अच्छा काम किया. हमारी देखे देखे और बड़े अदारे आएंगे. मैंने शुरू किया था, मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था जब मैंने, आप स्पोर्ट्स वीक ऑर्गेनाइज़ करा दो, आप कोई फंक्शन करवा दो, जो मर्जी करवा दो, यूनिवर्सिटी के लिए अपने लिए करते हो. आप जहाँ पे आओगे दूसरों के लिए, इन बच्चों के लिए आओ, ये ज़्यादा ज़रूरी काम है. अपने लिए हर बंदा जीता है, दूसरे के लिए जीना सीखो. हर बंदा, आप किसी को पैसा दे सकते हो, आप किसी को टाइम दे सकते हो. पैसा दे सकते हो अच्छी बात है, टाइम दे सकते हो उससे भी अच्छी बात है. कहते हैं किसी को वो चीज़ दो जो आप उससे कभी वापस ना ले सकते हो. उस बच्चे की क्या फीलिंग्स होगी, इसका बाप भी नहीं है, घर छोड़ के वो यहाँ पर रह रहा है, और अगर हम उनसे मिलने ना आए, हमारे SS, ये तो चलो बहुत अच्छी जगह पे हैं लोग, ये तो चलो एक स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, और बहुत सी फैमिलीज हैं जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची. हम लोगों ने उनको भी देखा है. आपको भी पता होगा सर कि ज़ुमरद खान साहब को आज भी सारे बाबा बुलाते हैं, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था. ज़ुमरद खान साहब ने 2011 में शुरू किया था, आज भी बच्चे उसी को बाबा बुलाते हैं. ये बच्चे जहाँ भी चले जाएंगे, जब मर्जी ये उसको ही बाबा बुलाएंगे. अगर ये कुछ अच्छा करेंगे ना, इसका इनडायरेक्टली उसको सवाब मिलेगा. आप एक बच्चे की कफालत कर जाओ ना, आपकी दुनिया आखरत सब कुछ समझ जाएगा. और उस बंदे ने 3200 बच्चों को पाला. ये थे मुदस्सर भाई जिनसे हमने कांटेक्ट किया एंड वी फाउंड आउट अबाउट दिस प्लेस. बच्चों के पास सब बेसिक फैसिलिटीज़ है, अगर कुछ नहीं है तो वो अपनों का प्यार. इंसान को किसी चीज़ की कदर तभी होती है जब उसके पास वो चीज़ ना हो. और हाँ एक बात और, बच्चे फैसलाबादी हो और जुगतबाजी ना करें.